हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज का टॉपिक वन कॉन्सेप्ट डे सीरीज में हमारा रहेगा, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनवायरनमेंट का। इस टॉपिक में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बायो एक्यूमुलेशन क्या है, बायो मैग्निफिकेशन क्या है। इसकी कवरेज आज होलिस्टिकली करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रॉफिक लेवल से, उसके बाद हम देखेंगे बायो कंसेंट्रेशन क्या होता है, उसके बाद हम स्किप करेंगे टू दी टॉपिक, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन क्या है और बायो एक्यूमुलेशन क्या है। लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। देखिए, पहले समझिए ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। आपने छोटी क्लासेस में पिरामिड देखा होगा। देखिए, छोटी क्लास में आप पिरामिड बनाते थे, सबसे पहले कौन से आते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर्स, उसके बाद कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स के बाद अप्रोक्सीमेटली तीन लेवल्स होते थे और वहां पर आपका जो ट्रॉफिक लेवल है, दैट इज फूड चेन, खत्म हो जाती थी, ठीक है। तो यहां पर वो ही शो किया गया है। आप देखिए, सबसे पहले आपको प्रोड्यूसर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको प्राइमरी कंज्यूमर्स दिख रहे हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। सो यहां पर आप देखिए, जब भी देखिए, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब दीज आर दी ऑटोट्रॉफ्स। इसका मतलब क्या है, जो भी सनलाइट अवेलेबल है, जो भी वाटर इनके पास अवेलेबल है, उन्हीं से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। मतलब ये एनर्जी एक्चुअली में किससे ले रहे हैं, सन से ले रहे हैं, और वो एनर्जी कहां पर कंज्यूम कर रहे हैं, अपना खाना खुद बनाने में कंज्यूम कर रहे हैं। सो सपोज, मान लीजिए इनके पास जितनी एनर्जी है, दैट इज अराउंड 10,000 किलो कैलोरीज इनके पास एनर्जी है। तो जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, अब ये रैबिट जो है, ये क्या करेगा, इन प्लांट्स को खाएगा। जब ये इन प्लांट्स को खाएगा तो इसको कितनी एनर्जी मिलेगी, दैट इज ओनली 10% ऑफ द प्रायर ट्रॉफिक लेवल। दिस इज नोन एज 10% लॉ। 10% लॉ का मतलब क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि प्रोड्यूसर्स के पास 100 किलो जूल है, तो एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में वो खाया जाएगा, तो उस पर्टिकुलर स्पीशी के पास ओनली 10% पहुंचेगा। मतलब कितना पहुंचेगा, ओनली 10 किलो जूल। बाकी कहां चला गया, दैट इज हीट लॉस में। तभी आपको ये दिख रहा है रेड एरो में, यहां पर क्या है, बाकी 90% कहां चला जाता है, दैट इज इन दी हीट लॉस। तभी आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब हम पिरामिड ट्रॉफिक लेवल्स ड्रॉ करते हैं, तो जनरली आपको सिर्फ 3 या 4 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, मतलब टर्शरी कंज्यूमर्स तक ही हम पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि एनर्जी ही खत्म हो जाती है। आप देख रहे हैं यहां पर 10,000 किलो कैलोरीज थी, यहां पर कितनी हो गई, मतलब सिर्फ 10% ही ट्रांसफर हुई है, कितनी रह गई, 1000 किलो कैलोरीज। ऐसे ही जब आप प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएंगे, अगेन कितना ट्रांसफर होगा, ओनली 10% ट्रांसफर होगा, दैट इज 100 किलो कैलोरीज रह जाएंगी। ऐसे ही सेकेंडरी से अगर आप टर्शरी में जाएंगे, 90% लॉस हो जाएगा और सिर्फ कितना ट्रांसफर होगा, दैट इज 10% ऑफ इट, तो कितना रह जाएगा, 10 किलो कैलोरीज। सो आप देख सकते हैं, तभी हमारे जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो 3 या 4 होते हैं, क्योंकि एनर्जी ही नहीं बचती, ठीक है, क्योंकि सारी एनर्जी क्या है, कंज्यूम हो चुकी है। सो इस पर्टिकुलर लॉ को बोला जाता है 10% लॉ। सो 10% लॉ क्या है, कि अगर आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं, तो ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड 90% ऑफ इट इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट लॉस, ठीक है जी। ये बात समझ आई है। सो यहां पर हमने सबसे पहले समझा है ट्रॉफिक लेवल क्या है और हमारी एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कैसे कंज्यूम होती है। ओनली 10% इज अब्सॉर्ब्ड एंड 90% इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहां तक बात समझ आई। अब चलते हैं टॉपिक बायो कंसंट्रेशन पे। देखिए, जब भी कोई भी स्पीशी, यहां पर एग्जांपल किसका लिया हुआ है, एक फिश है, जब कोई भी स्पीशी
जनरली हम पानी एक्वाटिक लाइफ की बात करते हैं, जब भी कोई स्पीशी केमिकल्स का इंटेक लेती है, जब केमिकल्स उसमें मिक्स हो जाते हैं, वाटर है, वाटर में केमिकल मिक्स हो गए, अब केमिकल कहीं से भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट किसी ने रिवर वाटर में जाके छोड़ दिया, तो कंसेंट्रेशन कहां पर चली गई, मतलब वाटर में आ गई, तो वाटर में क्या मिक्स हो चुका है, केमिकल्स मिक्स हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो फिश है वो अपनी डाइट में, जब वो कोई भी डाइट लेगी वो डाइट में क्या ले रही है, केमिकल्स ले रही है। सो क्या होगा विद पैसेज ऑफ टाइम, उसकी बॉडी में क्या होगा, केमिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इस फिनोमिना को बोला जाता है बायो कंसंट्रेशन। आप देख रहे हैं रेड वाले स्पॉट्स, ये रेड वाले स्पॉट्स एक्चुअली में क्या है, केमिकल कंसंट्रेशन इन दिस बॉडी, ठीक है। सो जितने भी आपके एक्वाटिक वाइल्ड लाइफ है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि केमिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। सो इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, दैट इज बायो कंसंट्रेशन। एक स्पीशी की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। सो जब भी केमिकल्स की कंसंट्रेशन एक इंडिविजुअल में बढ़ जाएगी, उस फिनोमिना को कहा जाता है दैट इज बायो कंसंट्रेशन। यहां तक बात समझ आई है। अब मूव करते हैं हम बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बायो एक्यूमुलेशन की बात करेंगे। अगर हम एक्यूमुलेशन एज अ वर्ड देखें, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, है ना। सो बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, बायो एक्यूमुलेशन इज द इंक्रीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में जब आपकी कंसंट्रेशन ऑफ दैट टॉक्सिक एलिमेंट इंक्रीजेस, उस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम बोल देते हैं बायो एक्यूमुलेशन। अगर सपोजेडली हम फिश की बात कर रहे हैं, सो एक स्पीशी है, इस स्पीशी में अगर केमिकल कंसंट्रेशन बढ़ गई है, फॉर एग्जाम्पल ये एक छोटी फिश है, ठीक है, इसके अंदर भी टॉक्सिक एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। अब ये छोटी फिश को कौन खाएगा, एक बड़ी फिश खा लेगी। जब वो बड़ी फिश खा लेगी इसको, इसका मतलब जो भी कंसंट्रेशन थी इसकी बॉडी में इंक्रीज कर गई, ऐसे ही इस बड़ी फिश को और बड़ी फिश खा लेगी। दैट मींस एक पर्टिकुलर स्पीशी में, एक पर्टिकुलर स्पीशी में आपको टॉक्सिक एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती हुई दिख रही है, तो इस फिनोमिना को बोला जाता है बायो एक्यूमुलेशन। ऑन द अदर हैंड बायो मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस व्हेन गोइंग अलोंग अ फूड चेन फ्रॉम लोअर टू अ हायर लेवल। यहां पर क्या है, यहां पर हम एक ही स्पीशी मतलब एक ही ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम को देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं ये छोटा रैबिट है, इस छोटे रैबिट को बड़े रैबिट ने खा लिया, या फिर कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर ने खा लिया, मतलब एक ही ट्रॉफिक लेवल की बात कर रही हूं मैं। जब मैं एक ट्रॉफिक लेवल की बात कर रही हूं, तब जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है उसको बोला जाता है दैट इज बायो एक्यूमुलेशन। क्योंकि एक्यूमुलेशन का मतलब है हमने एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में रह के कंसंट्रेशन ऑफ दैट टॉक्सिक मटेरियल इंक्रीज कर दिया। ऑन द अदर हैंड जब हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, मतलब जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं, मतलब सपोज इस रैबिट में कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स थे, जब इस रैबिट को स्नेक ने खा लिया, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर ने खा लिया, ट्रॉफिक लेवल चेंज हो चुका है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खा लिया, दैट मींस अब ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं कहां पर प्रेजेंट है, स्नेक में प्रेजेंट है। तो जब ट्रॉफिक लेवल चेंज हो जाता है उसको बोला जाता है बायो मैग्निफिकेशन। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। सो बायो एक्यूमुलेशन इज ऑलवेज इन द उसी ट्रॉफिक लेवल में रहता है। ऑन द अदर हैंड जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं,
तब आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन. नाउ रीड द डेफिनेशन, यू विल गेट द आंसर. अब रीड करिए, बायो एक्यूमुलेशन इज द इंक्रीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस इन एन ऑर्गेनिज्म. ऑन द अदर हैंड, बायोमैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस व्हेन गोइंग अलोंग द फूड चेन फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल. सो बायोमैग्निफिकेशन हम फिनोमेना कब यूज करते हैं, जब एक ट्रॉफिक लेवल से हम दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं. बायोएक्यूमुलेशन कब यूज करते हैं, जब हम एक स्पीशी या फिर एक ऑर्गेनिज्म की बात करें. सो यहां पर क्या है, in an organism it is between the trophic levels. This is bioaccumulation versus biomagnification. Ab dhyan dijiye, dekhiye, bioaccumulation is increase in the concentration of the pollutant in an organism. On the other hand, biomagnification is the increase in the concentration of a pollutant in a फूड चेन. फूड चेन का मतलब क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल से जब आप दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं उसको कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन. ठीक है, सो अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस अक्वाटिक लाइफ में आ चुके हैं, दैट मींस जब अक्वाटिक लाइफ को, सपोज फिश को अगर ह्यूमन बींग्स खाएंगे, तो टॉक्सिक लेवल कहां पहुंच चुका है, ह्यूमंस में पहुंच चुका है. सो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. अगर आपने पढ़ा हो मीना माटा कन्वेंशन, अब मीना माटा कन्वेंशन में यही हुआ था. वो कन्वेंशन बनाई ही क्यों गई थी, क्योंकि कुछ मर्करी के सब्सटेंसेस आपको वाटर में देखने को मिले थे. इसका मतलब क्या है, वो फिश में पहुंच चुके हैं, मतलब टॉक्सिक एलिमेंट इज एडेड टू दैट फिश. और जब वो फिश ह्यूमंस ने खा ली, तो उनके शरीर में भी किसकी प्रेजेंस हो चुकी है, दैट इज मर्करी की प्रेजेंस हो चुकी है, और उसकी वजह से लोगों को हेल्थ इफेक्ट्स हुए थे. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन. क्योंकि ओनली द 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर. तो इसका मतलब क्या है, मैग्निफाई हो गई ना वो प्रॉब्लम, क्योंकि सिर्फ 10% आ रहा है, 90% तो लॉस हो गया. ठीक है, सो यहां पर क्या हो चुकी है, मैग्निफाई हो चुकी है वो प्रॉब्लम. सो तभी उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन. ठीक है जी, अब बात समझ आई है. नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज इफेक्ट्स क्या होंगे बायो मैग्निफिकेशन से. सो इट इंपैक्ट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ. ये हम पढ़ चुके हैं, अगर आपके टॉक्सिक केमिकल्स कोई भी लोअर सब्सटेंसेस में देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, आजकल आपको जनरल भाषा में, जनरल लैंग्वेज में बोलने, पेरेंट्स बोलते हुए दिखेंगे कि आजकल तो प्लांट्स में, सारों में पेस्टिसाइड्स हैं, है ना. तो वो पेस्टिसाइड्स कहां पर प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है. वो प्लांट्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सारा टॉक्सिक केमिकल हमारी बॉडी में आ चुका है. तो इसका मतलब क्या है, हमें हेल्थ इफेक्ट्स हमारी बॉडी को होंगे. ठीक है, सो इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. नंबर टू आता है, इफेक्ट्स ऑन द रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ मरीन क्रिएचर्स. जितने भी आपके मरीन क्रिएचर्स हैं उनके ऊपर हेल्थ इफेक्ट देखने को मिलेगा. नंबर थ्री इज डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स. कोरल रीफ्स एज अ टॉपिक हम वन कॉन्सेप्ट डे सीरीज में जरूर करेंगे. कोरल रीफ्स क्या होते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, एंड सो ऑन, वी विल स्टडी हियर. फोर्थ पॉइंट आता है, दैट इज डिसरप्शन ऑफ द फूड चेन. अब देखिए, अगर फूड चेन में डिसरप्शन है, अगर लोअर लेवल में ही टॉक्सिक केमिकल्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो हायर लेवल्स में भी आपको वो टॉक्सिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो आपकी पूरी फूड चेन ही खराब हो जाएगी. ठीक है, सो यहां पर आपको इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ऑफ द बायो मैग्निफिकेशन. सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ बायो मैग्निफिकेशन एज वेल एज बायो एक्यूमुलेशन. दोनों क्या है, डिफरेंस दोनों में क्या है, और हम इसको कैसे रीड करते हैं. अब देखिए, कोई भी अगर आपको टॉक्सिक केमिकल देखने को मिलेगा, अगर वो ह्यूमंस की बॉडी में एंटर कर चुका है, मतलब वो बायो मैग्निफाइड है. ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस क्या है, दे आर दी टर्शरी कंज्यूमर्स. सो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन. अब हमने इसके इफेक्ट्स भी पढ़ लिए. सो दिस वॉज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ द टॉपिक बायो एक्यूमुलेशन वर्सेज बायो मैग्निफिकेशन. आई होप यू लाइक द लेक्चर.
थैंक यू वेरी मच।